वेलकम डियर फ्रेंड्स, लक्ष्य केम पॉइंट केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल। इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिएक्शन ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। जो भी कार्बोनिल कंपाउंड हो उनकी ऐसी रिएक्शन की अपन स्टडी करेंगे जिसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते अपन कार्बोनिल कंपाउंड से। तो आपको पता है कि जो भी आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है तो उन वाले कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर अपन जिसकी डिस्कशन करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड में वो मेनली कौन सा होगा, या तो एल्डिहाइड होगा। और कार्बोनिल का मीनिंग कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, सी डबल बॉन्ड ओ। और एल्डिहाइड कब बन जाता है, वेन कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड विद हाइड्रोजन देन नॉन एज एल्डिहाइड। मीनिंग पहला वाला तो ये कौन सा हो गया, एल्डिहाइड। और सेकंड वाला कार्बोनिल कंपाउंड किसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, वेन कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड विद टू कार्बन एटम देन इट इज नॉन एज कीटोन। ये वाला तो कौन सा हो गया कार्बोनिल कंपाउंड का एग्जाम्पल आपके पास, एल्डिहाइड हो गया। और ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा हो गया, कीटोन हो गया। कीप इट इन माइंड, इन कीटोन कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड विद टू कार्बन एटम, वेयर एज इन एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड विद हाइड्रोजन एटम। तो ये वाले जो कार्बोनिल जो कंपाउंड है, मीनिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो इन वाले जो भी आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है इनके पास जो भी अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर है। तो मीनिंग जो भी आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है इनका अल्फा हाइड्रोजन वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो ये मैं यहां पर मेंशन करता हूं, कार्बोनिल कंपाउंड में जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है या फिर अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर, इज एसिडिक इन नेचर। मीनिंग जो भी जैसे आपके पास एल्डिहाइड हो अदरवाइज कीटोन हो, इनके अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट जो भी आपका हाइड्रोजन एटम होगा उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। अब आइए इसको अपन जस्टिफाई करते हैं किस टाइप से एसिडिक नेचर है। तो आइए देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं। ये लीजिए, मैंने कोई एग्जांपल मेंशन किया है जिसके अंदर आपके पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, मीनिंग सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है। और इसके अल्फा कार्बन की बात करूं तो ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, अल्फा हो गया। और अल्फा के पास मैंने कौन सा एटम अटैच कर दिया, हाइड्रोजन एटम अटैच कर दिया। कार्बन की कितनी वैलेंसीज होती है, फोर वैलेंसीज। रिमेनिंग जो आपकी वैलेंसीज है वहां पर कोई भी एल्काइल अदरवाइज एराइल ग्रुप क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। और जब भी आपको एसिडिक नेचर की स्टडी करनी है तो आप इसकी रिएक्शन किसके साथ प्रोसीड कर सकते हो, बेस के साथ रिएक्शन क्या कर सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो। तो ये लीजिए, मैंने इस वाली रिएक्शन के अंदर क्या मेंशन कर दिया, बेस मेंशन कर दिया। और बेस को मैं यहां पर बी से मेंशन कर रहा हूं, और बेस को मैं यहां पर किससे मेंशन कर रहा हूं, बी से मेंशन कर रहा हूं। बी का मीनिंग क्या, कोई भी क्या है, ये बेस है। अब देखिए, जो भी आपका रिएक्टेंट है इसके अंदर कौन सा आ गया, कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ है। इसी फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हो आप, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप बोलते हो। और कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड जो कार्बन एटम होता है आप उसको क्या बोलते हो, अल्फा कार्बन बोलते हो। तो ये वाला कार्बोनिल ग्रुप से अटैच है तो इस वाले कार्बन को मैंने कौन सा बोल दिया, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से बॉन्डेड हाइड्रोजन कौन सा हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। अपन को इसके बारे में डिस्कस करना है कि जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, इसका एसिडिक नेचर है या फिर नहीं है। और इसका एसिडिक नेचर है तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल रीजंस कौन कौन से, क्या लॉजिक है इसके एसिडिक नेचर होने से। तो देखिए, जब भी बेस आएगा तो अपन को पता है क्या कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस को एक ही वर्क आता है, और वो वाला वर्क क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। तो मीनिंग ये वाला जो बेस है वो क्या करेगा, देखना ध्यान से, ये वाला आएगा और इस वाले बेस को प्रोटोन इसको क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे इस वाले प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन एटम पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो गया, कार्बन एटम पर। तो देखिए क्या थीम बनी है यहां पर, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप आपके पास एज इट है, मीनिंग सी डबल बॉन्ड ओ, देन सिंगल बॉन्ड, ये लीजिए सिंगल बॉन्ड। फिर कौन अटैच है, कार्बन, और कार्बन की कितनी वैलेंसीज है, टू वैलेंसीज, ये मैंने मेंशन कर दी, टू वैलेंसीज। और यहां से देखिए, जैसे इस वाले बेस ने प्रोटॉन को क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट किया है, कौन सी फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, यहां से माइनस बी एच, मीनिंग जो बेस है उसने प्रोटॉन को गेन कर ये क्या हो गया, यहां से रिलीज हो गया। और कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, बी एच का फॉर्मेशन हो रहा है।
माइनस का मीनिंग क्या है यहां पर, इसका मीनिंग ये है कि इस वाली रिएक्शन से इसका क्या हो गया, रिलीजमेंट हो गया। अब ये वाला बॉन्ड, अब आपको इजीली पता है कि वन बॉन्ड का फॉर्मेशन है कितने इलेक्ट्रॉन से होता है, टू इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वन बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो जैसे ये वाला बॉन्ड है कहां पर शिफ्ट हुआ, कार्बन पर, तो कार्बन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज लाइज करेगा, आपका नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, लाइज करेगा इस वाले कार्बन एटम पर, जो आपके अल्फा कार्बन एटम आपने जिसको बोला था उस पर कौन सा चार्ज लाइज कर रहा है, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, लाइज करेगा। अब देखिए आगे, ये वाला तो क्या हो गया, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये सिंगल बॉन्ड, देन कौन सा आ गया, डबल बॉन्ड। तो ये किसकी कंडीशन होती है, रेजोनेंस की कंडीशन होती है, मीनिंग कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव के जस्ट बाद में सिंगल बॉन्ड, और सिंगल के बाद में कौन आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ये वाली किसकी कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन। अब देखिए रेजोनेंस किस टाइप से होगा, यहां पर ये देखिए, जो एटम टू बॉन्ड एंड बॉन्ड टू एटम, तो एटम से कहां पर आ रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बॉन्ड पर, और बॉन्ड से कहां पर आएगा, एटम पर। तो यहां पर जो आपके रेजोनेंस का जो किस टाइप का सीन बना है, कार्बन टू, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं एटम टू बॉन्ड एंड बॉन्ड टू एटम। तो जिस टाइप से ये रेजोनेंस होगा, तो आपको इजीली पता है कि रेजोनेंस को अपन रिप्रेजेंट करते हैं डबल हेडेड एरो से। तो ये मैंने डबल हेडेड एरो मेंशन कर दिया है, और किस टाइप की स्ट्रक्चर आपको ऑब्टेन होगी, तो ये देखिए, ये सिंगल बॉन्ड कार्बन, पहले डबल बॉन्ड हुआ करता था कार्बन और ऑक्सीजन के मिड में, लेकिन जैसे ये वाला पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन और कार्बन के मिड में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। और इस वाले पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो गई ऑक्सीजन पर, मीनिंग ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज लाइज करेगा, नेगेटिव चार्ज लाइज करेगा। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ये देखिए ये वाला नेगेटिव चार्ज यहां पर शिफ्ट कर रहा है कहां पर, सिंगल बॉन्ड पर। तो ये जहां पर पहले कार्बन कार्बन के मिड में सिंगल बॉन्ड था, वो वाला सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, आपके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और ये वाला कार्बन और इस वाले कार्बन की फर्दर टू वैलेंसी। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे आपके पास कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन हुआ, तो जो कॉन्जुगेट बेस में क्या प्रेजेंट है, रेजोनेंस प्रेजेंट है, और रेजोनेंस प्रेजेंट है तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए नेक्स्ट में इसका क्या फॉर्म कर देता हूं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो ये लीजिए मैं अभी यहां इसका ड्रॉ कर रहा हूं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ऑलवेज कीप इट इन माइंड, रेजोनेटिंग हाइब्रिड इज रिप्रेजेंटेड बाय थ्री वर्टिकल लाइंस, मीनिंग थ्री वर्टिकल लाइंस के बाद में जो भी स्ट्रक्चर मेंशन करता है आप उसको क्या बोलते हो, रेजोनेटिंग हाइब्रिड बोलते हो। और जो भी रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है ना, ये क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है, क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है। अब देखिए रेजोनेटिंग जो हाइब्रिड अपन जैसे इसका ड्रॉ करेंगे तो किस टाइप से ड्रॉ करेंगे, तो ध्यान से देखना, ये वाला सिंगल बॉन्ड, ये यहां पर कार्बन। अब देखिए अगर आप इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर आप सीन कर रहे हैं, तो इन वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन और ऑक्सीजन के मिड में कभी डबल बॉन्ड है और कभी क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया, कार्बन और ऑक्सीजन के मिड में कौन सा बॉन्ड मेंशन कर दिया, सिंगल बॉन्ड। फिर देखिए कार्बन कार्बन के मिड में यहां पर सिंगल बॉन्ड है, लेकिन जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी तो कार्बन कार्बन के मिड में कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। तो ये लीजिए मैंने यहां पर भी कौन सा बॉन्ड मेंशन कर दिया, सिंगल बॉन्ड। किससे अटैच है, कार्बन से, और कार्बन की फर्दर कितनी वैलेंसीज है, टू वैलेंसीज है। अब यहां पर आप देख रहे हो कि जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन के मिड में भी क्या है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और आपके कार्बन कार्बन के मिड में भी क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। कभी आपके कार्बन के कार्बन पर कौन सा चार्ज लाइज कर रहा है, नेगेटिव, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज कर रहा है, नेगेटिव। मीनिंग यहां पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन से चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है। मीनिंग जो भी आपके पास बेस ने प्रोटॉन को गेन करने के बाद में या फिर एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद में जो कॉन्जुकेट बेस था, उस वाले कॉन्जुकेट बेस के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। और कहां से लेकर कहां तक डीलोकलाइज हो रहा है, कार्बन से लेकर ऑक्सीजन तक डीलोकलाइज हो रहा है। तो देखिये मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस टाइप से ड्रॉ करूंगा इसकी, ये देखिए जो भी आपका इस वाले ऑक्सीजन एटम से लेकर और इस वाले कार्बन एटम तक क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। तो यहां पर मैंने क्या मेंशन कर दिया, नेगेटिव चार्ज मेंशन कर दिया, मीनिंग इस वाले कार्बन से लेकर इस वाले ऑक्सीजन तक कौन सा चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। और कार्बन पर भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऑक्सीजन पर भी कौन सा चार्ज लाइज कर रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो आप इसको मेंशन कर सकते हो पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये मैंने मेंशन कर दिया कार्बन के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या मेंशन कर दिया मैंने, पार्शियल नेगेटिव चार्ज मेंशन कर दिया। तो ये वाले क्या बना दिए मैंने, रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना दिया।
ये जो मैंने मेंशन किया है ये है क्या? रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड का फॉर्मेशन कर दिया, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब देखिए ध्यान से देखना, इस वाली जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ना इसको मैं मेंशन कर देता हूं, इसको बोल देता हूं मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए, और इस वाली स्ट्रक्चर को मैं बोल देता हूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बी बोल देता हूं। क्लियर है? पहले वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मैंने बोल दिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, और सेकंड वाली को क्या बोल दिया मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बी बोल दिया। अब यहां से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि यहां पर जो अल्फा हाइड्रोजन है इसकी जो एसिडिटी है ना वो इंक्रीज क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो पहला लॉजिक सुनना ध्यान से, पहला लॉजिक तो ये होता है कि जो भी आपका ये कार्बोनिल ग्रुप है ना ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। सेकंड थिंग यहां पर ये है कि जो भी आपका नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन कार्बन एटम, तो ऑक्सीजन इजिली एकोमोडेट नेगेटिव चार्ज, मीनिंग ऑक्सीजन है वो इजिली जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या कर लेगा, एकोमोडेट कर लेगा। तो ये दो फैक्टर है जो क्या करती है इसकी जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड का जो फॉर्मेशन होता है और इसके अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन है उसकी क्या करते हैं, इस एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। तो देखिए इसके रीजंस मेंशन करता हूं मैं, पहला रीजन देखना, जो भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड है उसका अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर का होता है, इसका रीजन मेंशन कर रहा हूं मैं, रीजन क्या है तो ये लीजिए मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं रीजन। पहला रीजन क्या है आपके जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका कौन सा इफेक्ट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट होता है। तो मीनिंग ये वाला जो कार्बोनिल है ना ये देखिए मैं मेंशन कर देता हूं, इस वाले जो कार्बोनिल है सी डबल बॉन्ड ओ इस वाले ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होता है। मीनिंग कौन सा इफेक्ट शो कर सकता है, माइनस आई इफेक्ट क्या कर सकता है, ये शो कर सकता है। कौन सा इफेक्ट शो कर सकता है, माइनस आई। तो यहां पर देखिए पहला रीजन तो आप क्या मेंशन कर दोगे, जो अल्फा हाइड्रोजन है इसकी एसिडिक नेचर का, तो पहला रीजन तो ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप हैविंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट, ये लीजिए पहला रीजन में मेंशन कर रहा हूं कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का मीनिंग क्या होता है, ये वाला, इसको आप क्या बोलते हो, कार्बोनिल बोलते हो, तो कार्बोनिल ग्रुप हैविंग, कार्बोनिल ग्रुप हैविंग स्ट्रॉन्ग, कार्बोनिल ग्रुप हैविंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट। तो पहला रीजन तो ये है कि जो भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन है उसका एसिडिक नेचर क्यों होता है, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप है हैविंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट, इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग क्या होता है, इफेक्ट होता है। और सेकंड रीजन क्या आ जाएगा, सेकंड रीजन ये हो जाएगा कि जो भी आपकी स्ट्रक्चर नंबर बी है ना जो आपने ड्रॉ की थी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, उसमें क्या हो रहा है कि नेगेटिव चार्ज कहां पर लाइज कर रहा है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर लाइज कर रहा है, जो और ऑक्सीजन है वो उसको इजिली क्या कर लेगा, एकोमोडेट कर लेगा। तो सेकंड वाला आप मेंशन कर सकते हो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ये लीजिए सेकंड रीजन क्या हो जाएगा आपके एसिडिक नेचर का, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ये लीजिए रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो ये दो रीजन आपको पता रखना है कि जो भी आपका कॉन्जुगेट बेस होगा वो किसके थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, रेजोनेंस के थ्रू क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। और सेकंड वाला इफेक्ट कौन सा हो जाएगा कि जो भी कार्बोनिल ग्रुप है इसका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट होता है। तो कीप इट इन माइंड, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर, वाई? तो इसके टू रीजन आपको मेंशन करना है। पहला रीजन क्या हो गया, कार्बोनिल ग्रुप हैविंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट, एंड सेकंड रीजन क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो देखिए कॉन्जुगेट बेस कौन सा, ये वाला, जब भी आप बेस है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके रिलीज हो जाएगा तो जिसका भी फॉर्मेशन होता है तो आप उसको क्या बोलते हो, कॉन्जुगेट बेस बोलते हो। नहीं, ये वाली जो स्ट्रक्चर नंबर ए और स्ट्रक्चर नंबर बी है ये क्या है, एक्चुअल में कॉन्जुगेट बेस है। ये वाली स्ट्रक्चर क्या होती है आपके, कॉन्जुगेट बेस, और इन वाले कॉन्जुगेट बेस में क्या प्रेजेंट है, रेजोनेंस प्रेजेंट है। तो रेजोनेंस के थ्रू क्या हो रहा है कि जो भी कॉन्जुगेट बेस है ना वो क्या हो रही है, स्टेबलाइज हो रही है। तो यही रीजन मेंशन किया है मैंने सेकंड वाला, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द
कॉन्जुगेट बेस्ड बिल्डिंग, जो भी कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन होगा वो रेजोनेंस के थ्रू क्या करेगा, स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। और कार्बोनियल ग्रुप है इसका कौन सा इफेक्ट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है। ये दोनों फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं एसिडिक नेचर ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन इन कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर है यहां तक? तो आपने यहां तक डील किया था कि जो अल्फा हाइड्रोजन है कार्बोनिल ग्रुप का उसका एसिडिक नेचर है वो ग्रेटर क्यों होता है। अब देखो यहां पर एक और मैं आपको कंपैरिजन बता देता हूं, जो भी आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बी बनी है तो इसमें से कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है, तो यहां पर देखिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पर कौन सा चार्ज लाइज कर रहा है, नेगेटिव चार्ज। और यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर कौन सा चार्ज लाइज कर रहा है, आपका नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर कौन सा स्टेबल होगा, ऑक्सीजन वाला। क्यों? क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस जो बी वाली स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये क्या होती है, मोर स्टेबल। और इसके पीछे रीजन क्या हो जाएगा, लॉजिक क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन एटम, सो ऑक्सीजन इजिली एबल टू एकोमोडेट नेगेटिव चार्ज। ये आपको एक बात ध्यान रखनी है, कीप इट इन माइंड, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बियर द नेगेटिव चार्ज, जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो उतने नेगेटिव चार्ज को क्या कर सकता है, इजिली बियर कर सकता है या फिर एकोमोडेट कर सकता है। तो यहां पर ये वाला भी मेंशन कर देता हूं मैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बी है ये क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। तो ये मेंशन करता हूं मैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बी इज मोर स्टेबल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बी इज मोर स्टेबल कंपेयर टू, इज मोर स्टेबल कंपेयर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए। ए के कंपैरिजन में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बी है वो क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। और इसका रीजन क्या है, तो रीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इजीली क्या कर लेगा, एकोमोडेट कर लेगा नेगेटिव चार्ज को। तो रीजन देखिए, इसका रीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो ऑक्सीजन इज एबल, सो ऑक्सीजन इज एबल टू एकोमोडेट, टू एकोमोडेट इज एबल टू एकोमोडेट द नेगेटिव चार्ज, एकोमोडेट द नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला भी आपको बताना चाहिए कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किए, टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, उनमें से पहली वाली तो आपने ए बोल दिया और सेकंड वाली को क्या बोल दिया, बी बोल दिया। तो इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन सी स्टेबल होगी, तो आपकी बी वाली स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर ए के अंदर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, लेस होती है, 2.5 होती है। लेकिन यहां पर इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बी के अंदर क्या देख रहे हो, आपकी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज लाइज कर रहा है, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज लाइज कर रहा है तो ऑक्सीजन क्या है, कार्बन के कंपेरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.5 होती है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, वो इजिली एकोमोडेट कर लेगा नेगेटिव चार्ज को। रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम कंपेयर टू कार्बन एटम। तो ये वाला यहां पर हो गया आपके रिएक्शन ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन, मीनिंग जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन है वो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के कारण, उसका एसिडिक नेचर होने के कारण रिएक्शन को क्या करती है, प्रोवाइड करती है। अब यहां पर अपन एक नेम रिएक्शन है उससे डील करेंगे, वो बड़ी फेमस नेम रिएक्शन है, उस वाली नेम रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंजेशन। अब डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे अपन, हेडिंग मेंशन कर देता हूं मैं, एल्डोल कंडेंजेशन, एल्डोल कंडेंजेशन रिएक्शन। तो ये वाली जो एल्डोल कंडेंजेशन रिएक्शन होती है, ये भी कौन सी प्रॉपर्टी के कारण होती है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मीनिंग जो भी अल्फा हाइड्रोजन है उसका नेचर कौन सा होता है, एसिडिक नेचर होता है, उसी के कारण जो भी आपका एल्डिहाइड और कीटोन है कौन सी रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, तो वो वाली आपके रिएक्शन प्रोवाइड करता है एल्डोल कंडेंजेशन रिएक्शन। तो भाई इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं कि एल्डोल कंडेंजेशन रिएक्शन क्या होती है, क्या इसमें रिएक्टेंट होता है, क्या प्रोडक्ट होता है, और कौन सा रिएजेंट होता है, किस टाइप से मैकेनिज्म होती है एल्डोल कंडेंजेशन रिएक्शन की। तो आइए सबसे पहले अपन डील करते हैं इसके रिएक्टेंट से, कि जो भी आपके पास एल्डोल कंडेंजेशन रिएक्शन होगी उस वाली रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट क्या होता है।
तो ये लीजिए, सबसे पहले मैं मेंशन कर रहा हूं रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड, नहीं कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, वही कौन सी रिएक्शन प्रोवाइड करेगा आपके, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, वो क्या करेगा प्रोवाइड करेगा। सेकंड थिंग आती है कि इसमें रिएक्टेंट हो गया, रिएजेंट क्या होता है, मीनिंग किसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन को प्रोसीड करते हो, तो सेकंड पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया रिएजेंट। तो यहां पर प्रेजेंस किसकी होती है, डायल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया डायल्यूट बेस, और इसका एग्जांपल कौन सा जाएगा, डायल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दो टू थिंग से आपने डील कर लिया कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इसके लिए किस टाइप के रिएक्टेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आपको रिक्वायरमेंट है ऐसा कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। सेकंड वाला फिर आपने डील किया रिएजेंट, मीनिंग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है उसमें रिएजेंट क्या होता है या फिर किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड करती है, तो कीप इट इन माइंड एल्डोल कंडेंसेशन इज प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ डायल्यूट बेस, मीनिंग डायल्यूट बेस की आपको क्या होती है यहां पर रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड बात आती है कि यहां पर प्रोडक्ट किसका फॉर्मेशन होगा, तो ये लीजिए थर्ड पॉइंट मेंशन करता हूं मैं प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट यहां पर क्या बनेगा आपके पास, प्रोडक्ट बनेगा पहली बात तो यहां पर आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड अदरवाइज कीटोन, प्रोडक्ट क्या बनेगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेशन का मीनिंग क्या है, कार्बन कार्बन के मीट में डबल बॉन्ड आएगा, कौन कौन से पोजीशन पर, अल्फा और बीटा वाली पर, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, अगर आपने एल्डिहाइड से स्टार्ट किया तो एल्डिहाइड बन जाएगा, अदरवाइज अगर आपने रिएक्टेंट कौन सा लिया है कीटोन लिया है तो उस वाली कंडीशन में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा कीटोन का फॉर्मेशन, मीनिंग अगर आपने रिएक्टेंट एल्डिहाइड से रिएक्शन को प्रोसीड किया है तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, अगर रिएक्टेंट के फॉर्म में आपने कीटोन को कंसीडर किया है तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये वाली क्या होती है बेसिक थीम होती है। अब एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पर एल्डोल, इस वाली रिएक्शन को एल्डोल क्यों बोल रहे, तो इसको भी अंडरस्टैंड कीजिए, एक वर्ड यहां पर मेंशन कर रखा है कौन सा एल्डोल वाला, तो देखिए एल्डोल का मीनिंग एक्चुअली में है क्या यहां पर, तो ये देखिए एल्डोल, एल्डोल अब यहां पर टू फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या कर रहा है ये कंटेन कर रहा है, एल्डोल का मीनिंग ही क्या है यहां पर टू फंक्शनल ग्रुप, एल्ड का मीनिंग तो क्या हो जाएगा एल्डिहाइड और ओल्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा एल्कोहल हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एल्डोल का मीनिंग क्या है, यहां पर टू फंक्शनल ग्रुप है, पहला वाला फंक्शनल ग्रुप तो कौन सा हो जाएगा एल्डिहाइड हो जाएगा, फर्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया एल्डिहाइड हो गया, और एल्डिहाइड के साथ सेकंड वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा आएगा अल्कोहल आएगा, कौन सा आएगा अल्कोहल आएगा, तो मीनिंग यहां पर जो भी आपके पास प्रोडक्ट बनेगा उस वाले प्रोडक्ट के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी होगा और एल्डिहाइड के साथ साथ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं एल्डोल बोलते हैं, एल्डोल का मीनिंग क्या हो गया एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी क्या होगा प्रेजेंट होगा। अब देखिए मैं रिएक्शन की आपको एकदम बेसिक थीम से अंडरस्टैंड करवाता हूं कि किस टाइप से रिएक्शन है वो यहां पर प्रोसीड होगी, तो ये देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से आपको रिएक्शन इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। सबसे पहले आपको किसकी रिक्वायरमेंट है अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड, तो ये लीजिए मैं सबसे पहले यहां पर रिएक्शन को स्टार्ट करता हूं अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड, ये लीजिए मैंने जो भी रिएक्शन स्टार्ट किए वहां पर अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग जो कार्बोनिल कंपाउंड मैंने कौन सा कंसीडर कर लिया एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में बेस की प्रेजेंस में, तो ये लीजिए मैंने यहां पर बेस मेंशन कर दिया डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये लीजिए मैंने यहां पर बेस मेंशन कर दिया डाइल्यूट NaOH मीनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इस वाली डाइल्यूट बेस का मैंने यूज कर लिया, तो जब भी ये सीन चलेगा ना जब भी डायल्यूट बेस के साथ रिएक्शन प्रोसीड होगी अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड के साथ तो सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होगा
एल्डोल का फॉर्मेशन होगा। एल्डोल का मीनिंग क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, यहां पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा ना, उस वाले प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी। प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और आप जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ना, इसी को आप क्या बोलोगे, एल्डोल बोलोगे। इसी को आप क्या बोलते हो, एल्डोल बोलोगे। क्लियर है यहां तक? अगर ये मान लीजिए यहां पर आपने कीटोन कंसीडर किया, तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एल्डोल की जगह आप उसको क्या बोल दोगे, कीटोल बोल दोगे। एल्डोल की जगह क्या मेंशन कर देना, कीटोल मेंशन कर देना। अब आगे देखिए, आगे रिएक्शन क्या होती है, कि जो भी आपके पास ये फॉर्मेशन हुआ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अदरवाइज एल्डोल का, इसको आपको क्या प्रोवाइड करनी है, हीटिंग प्रोवाइड करनी है। क्या प्रोवाइड करनी है, हीटिंग प्रोवाइड करनी है। तो जैसे आपने बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हीट प्रोवाइड करोगे, तो यहां से क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मीनिंग जो वाटर मॉलिक्यूल है इसका क्या हो जाएगा, रिलीजमेंट हो जाएगा। मीनिंग क्या होगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी। और यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा ना, फाइनल प्रोडक्ट जो बोला अपन ने, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, तो यहां पर प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड लिया तो एल्डिहाइड बन जाएगा, अदरवाइज आपने कीटोन से कंसीडर किया है तो क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन बन जाएगा। सेम टाइप से यहां पर देखिए, अगर आपने एल्डिहाइड से स्टार्ट किया तो एल्डोल बन जाएगा, अदरवाइज आपने कीटोन से मेंशन किया तो क्या बन जाएगा, कीटोल बन जाएगा। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की जगह क्या बोल दूंगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और आप इसी को क्या बोल दोगे, एल्डोल, अदरवाइज क्या बोल दोगे, कीटोल बोल दोगे। क्लियर है यहां तक? और यहां पर भी आप मेंशन कर सकते हो, एल्डिहाइड से मेंशन किए कर सकते हो, अदरवाइज आप किससे मेंशन कर सकते हो, कीटोन से। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया कीटोन से। तो ये वाली बेसिक थीम होती है आपके एल्डोल कंडेंजेशन रिएक्शन है। ये थीम होती है कि अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड और कीटोन है, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। डायल्यूट बेस की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो किसका फॉर्मेशन होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर कीटोन कंसीडर किया आपने एज रिएक्टेंट, तो क्या बन जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाएगा। अगर एल्डिहाइड बन रहा है तो आप इसको एल्डोल बोल दोगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को क्या बोलोगे, एल्डोल, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को क्या बोल दोगे, कीटोल बोल दोगे। इसके नेक्स्ट आपको क्या करना है, टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, मीनिंग हीटिंग प्रोवाइड करनी है। और जैसे ही हीटिंग प्रोवाइड करोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल उसका रिलीजमेंट हो जाएगा, और प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, अदरवाइज अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये वाली बेसिक थीम होती है एल्डोल कंडेंजेशन रिएक्शन के। अब आइए इसको डिटेल के अंदर अपन स्टडी करते हैं कि किस टाइप से रिएक्शन वो प्रोसीड करती है और किस टाइप से रिएक्शन यहां पर आपको मेंशन करनी है। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये लीजिए मैंने यहां पर मेंशन कर दिया एल्डोल कंडेंजेशन रिएक्शन का एग्जांपल। तो एक बार तो मैं इसको सिंपल वर्ड्स में अपन अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म है, उस वाले मैकेनिज्म को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये लीजिए मैंने सबसे पहले एल्डिहाइड से स्टार्ट किया, और एल्डिहाइड कौन सा है मेरे पास, CH3। ये मैंने सिंपल एल्डिहाइड मेंशन कर दिया CH3, सी डबल बॉन्ड O, और यहां पर ये लिख दिया मैंने H। ये वाला कौन सा एल्डिहाइड है, एसिटी एल्डिहाइड है। कौन सा एल्डिहाइड है, एसिटी एल्डिहाइड, एसिटी एल्डिहाइड है। तो ये वाला आपके पास एल्डिहाइड। और अभी आपको मैंने बताया कि जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है, इससे जो नेक्स्ट जो कार्बन होता है उसको आप कौन सा कार्बन बोलते हो, अल्फा कार्बन बोलते हो। तो ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। और अल्फा कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करनी है आपको, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में। तो ये लीजिए मैंने यहां पर मेंशन कर दिया डाइल्यूट, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मैंने यहां पर मेंशन कर दिया डाइल्यूट बेस का मैंने यूज कर लिया। डाइल्यूट बेस का मीनिंग क्या हो जाएगा आपके, डाइल्यूट एनियंस हो गया। अब जैसे ये रिएक्शन होगी तो पहली स्टेप में अभी देखो अपन देख रहे हैं किसका फॉर्मेशन होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आपने एल्डिहाइड कंसीडर कर रखा है तो देखिए किस टाइप से रिएक्शन प्रोसीड होती है। यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH, नेक्स्ट में क्या जाएगा आपके CH2, फिर क्या आ गया आपके पास CHO आ गया। अब देखिए ये वाला कौन सा हो गया आपके, ये वाला एल्डिहाइड है,
मीनिंग मेन फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट वाला कार्बन कौन सा होता है? अल्फा, तो ये वाला अल्फा हो गया, ये वाला कौन सा हो गया? बीटा हो गया। तो बीटा पर कौन सा आ गया? हाइड्रोक्सी, और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। इस वाले कंपाउंड में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी और एल्डिहाइड के साथ साथ कौन है? एल्कोहल भी है। तो ये वाला कौन सा, क्या बोल दूंगा? एल्डोल बोल दूंगा। इसका नोमेनक्लेचर क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसी को आप क्या बोलते हो? एल्डोल बोलते हो। इसी को क्या बोलते हो? एल्डोल। और एल्डोल क्यों बोल रही हो? क्योंकि इस वाली कंपाउंड में एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप भी है और एल्डिहाइड के साथ साथ कौन सा है? एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी, इसलिए आपने इसको क्या बोल दिया? एल्डोल बोल दिया। नाम क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। नेक्स्ट वाली थीम में मैंने क्या सिखाया था आपको कि जो भी यहां पर आपके पास ये वाला कंपाउंड बनेगा, इस वाले कंपाउंड का क्या करना है आपको? हीटिंग प्रोवाइड करनी, और हीटिंग प्रोवाइड करते ही यहां से कौन रिलीज हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल है उसका क्या हो जाएगा? रिलीजमेंट हो जाएगा। और किस टाइप का प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा? तो देखना कौन सा प्रोडक्ट बनता है। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कौन सा कंपाउंड बनेगा यहां पर? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो ये वाला देखिए वापिस एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन कौन सा होता है? अल्फा, तो ये वाला अल्फा कार्बन, ये वाला कौन सा हो गया? बीटा। तो देखिए अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मीनिंग क्या? अनसेचुरेशन है। तो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। इसी को यही क्या होता है आपका मेजर प्रोडक्ट होता है एल्डोल कंडेंसेशन में। तो ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया जिसमें एसिटी एल्डिहाइड का ट्रीटमेंट किया अपने डाइल्यूट बेस के साथ, कन्वर्ट हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में, और जिसको आपने एल्डोल बोल दिया, और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इसका आपने फर्दर ट्रीटमेंट कर दिया विद हीटिंग, मीनिंग यहां पर आपने हीट प्रोवाइड की, और जैसे हीटिंग प्रोवाइड की तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये वाला जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप से बना है, किस टाइप से मैकेनिज्म हुई है, तो अब अपन नेक्स्ट वाली पॉइंट में, नेक्स्ट वाली स्लाइड में अपन देखेंगे इसकी मैकेनिज्म, मीनिंग जो भी ये रिएक्शन हो रही है ना उस वाली रिएक्शन की क्या मैकेनिज्म है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपके जब भी आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आएगा, विद मैकेनिज्म आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। तो आपको मैकेनिज्म वो अच्छे से अंडरस्टैंड करने की, जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म है वो किस टाइप से होती है, और कीप इट इन माइंड ऑलवेज आपको एल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल लेकर रिएक्शन को प्रोसीड करना है? 2 मॉलिक्यूल लेकर रिएक्शन को क्या करना है? प्रोसीड करना है। रिएक्शन जब भी प्रोसीड होगी तो वहां पर एल्डिहाइड और कीटोन के कितने मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है? 2 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट। अब आइए सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो देखिए मैकेनिज्म वो कितनी स्टेप मैकेनिज्म होती है, तो पहला पॉइंट तो आपको ये पता रखना है कि ये 4 स्टेप मैकेनिज्म है। इस वाली मैकेनिज्म में कितने स्टेप इन्वॉल्व होंगे, तो आपको कीप इट इन माइंड एल्डोल कंडेंसेशन इज 4 स्टेप मैकेनिज्म, मीनिंग इस वाली मैकेनिज्म में कितने स्टेप्स होंगे? 4 स्टेप होंगे। पहली बात तो ये, आइए सबसे पहले देखते हैं अपनी स्टेप नंबर फर्स्ट। सबसे पहले अपन डील करेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट से, तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया स्टेप नंबर फर्स्ट। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है? तो कीप इट इन माइंड स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है, द हाइड्रोक्साइड आयन डी प्रोटोनेट्स द एल्डिहाइड, द हाइड्रोक्साइड आयन, द हाइड्रोक्साइड ओ एच माइनस का मीनिंग क्या? बेस है। द हाइड्रोक्साइड आयन डी प्रोटोनेट, द हाइड्रोक्साइड आयन डी प्रोटोनेट, द हाइड्रोक्साइड आयन डी प्रोटोनेट्स, द हाइड्रोक्साइड आयन डी प्रोटोनेट्स द एल्डिहाइड। जो भी आपने एल्डिहाइड यहां पर रिएक्शन में कंसीडर किया है उस वाले एल्डिहाइड का डी प्रोटोनेशन करता है कौन है? हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा? डी प्रोटोनेशन करेगा। अब आइए देखते हैं रिएक्शन किस टाइप से कंप्लीट होती है यहां पर। तो ये देखिए आपने कौन सा एल्डिहाइड लिया था, एसिटी एल्डिहाइड, ये लीजिए मैं मेंशन करता हूं एसिटी एल्डिहाइड को, CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या आ गया? H आ गया, और यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं इसके अल्फा हाइड्रोजन को।
ये वाला आपकी जो एल्डिहाइड ग्रुप से बॉन्डेड वाला कार्बन है तो कौन सा हो जाएगा, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा आप इसको क्या बोलते हो, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हो। और यहां पर प्रेजेंस किसकी है, बेस की प्रेजेंस है, प्रेजेंस किसकी है, बेस की। तो ये लीजिए मैंने बेस मेंशन कर दिया, कौन सा, ओ एच नेगेटिव, ये वाला मैंने क्या मेंशन कर दिया, बेस मेंशन कर दिया ओ एच नेगेटिव। इसको आपने क्या बोला, हाइड्रोक्साइड आयन बोला, बेस की एक्ट किसकी तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज ए बेस। कैसा स्टेप है, रिवर्सिबल स्टेप है। और मैंने अभी आपको सिखाया कि जब भी बेस आता है ना तो बेस को एक ही काम आता है, क्या, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ ए प्रोटॉन। और कौन सा प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा, अपन अभी देख रहे हैं कि जो अल्फा कार्बन के साथ जो बॉन्डेड हाइड्रोजन होता है कार्बोनिल कंपाउंड में, उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। तो ये वाला बेस क्या सीन क्रिएट करेगा, यहां से बेस है और बेस को एक ही काम आता है, क्या, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ ए प्रोटॉन। तो ये वाले बेस ने क्या करेगा, अल्फा कार्बन से बॉन्डेड जो आपका प्रोटॉन है ना, इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, गेन कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। और जैसे इसने इस वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, ये वाला बॉन्ड की शिफ्टिंग कहां पर हो गई, इस वाले कार्बन पर हो गई। कहां पर शिफ्टिंग हो गई है, इस वाले कार्बन पर। तो देखिए यहां पर क्या सीन क्रिएट हो गया, किसका फॉर्मेशन हो गया, तो यहां पर देखो ये वाला फॉर्मेशन हो रहा है, ये वाला बॉन्ड इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो रहा है, नहीं किसका फॉर्मेशन हो गया, CH2। और बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई तो कार्बन पर कौन सा चार्ज लाइज कर जाएगा, नेगेटिव चार्ज लाइज कर गया। CH2 आगे किससे बॉन्डेड है, C डबल बॉन्ड O से, ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया C डबल बॉन्ड O। और कार्बोनिल आगे किससे बॉन्डेड है, फर्दर हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। और इस वाले स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं इनोलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनोलेट बोलते हैं। ये वाली जो आपके पास स्ट्रक्चर बनेगी इसका नाम क्या है, इनोलेट। तो फर्स्ट स्टेप में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, इनोलेट का फॉर्मेशन हो रहा है। और फॉर्मेशन होने का मेथड क्या है कि जो डायल्यूट बेस है, डायल्यूट बेस का मीनिंग क्या हो गया, NaOH। तो यहां पर बेस की तरह एक कौन करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन, मीनिंग OH माइनस। तो देखो यही तो सीन हुआ है, हाइड्रोक्साइड आयन आया और अल्फा कार्बन से बॉन्डेड जो हाइड्रोजन है इसका नेचर एसिडिक है, इसको क्या कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। जैसे इस वाले को एब्स्ट्रैक्ट किया है तो ये वाला जो बॉन्ड है आपके कहां पर शिफ्ट हो गया, आपके कार्बन एटम पर शिफ्ट हो गया, मीनिंग जो ये वाला जो CH बॉन्ड है इसकी शिफ्टिंग कहां पर हो गई, कार्बन एटम पर। तो यहां पर कार्बन पर कौन सा चार्ज लाइज कर गया, नेगेटिव चार्ज है, वो कार्बन एटम पर क्या कर गया, लाइज कर गया। और यहां पर क्या आ गया, आगे वाली स्ट्रक्चर एसिटिविंग सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो ये लीजिए सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर एच। और इस वाली स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, इनोलेट बोलते हैं। इस वाली स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, इनोलेट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये तो था स्टेप नंबर फर्स्ट, अब बात करेंगे अपन स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप नंबर सेकंड, एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर स्टेप नंबर सेकंड। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था कि जो भी आपके पास एल्डिहाइड है इसके आपको कितने मॉलिक्यूल से डील करना है, टू मॉलिक्यूल से। तो पहले वाली स्टेप में क्या हो रहा है कि जो आपका पहला वाला जो आपका फर्स्ट एल्डिहाइड है इसके ऊपर हाइड्रोक्साइड आयन ने क्या किया, डी प्रोटोनेट करके इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इनोलेट में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट बात करेंगे अब सेकंड नंबर स्टेप में क्या होगा, इनोलेट आयन। सेकंड स्टेप में क्या होगा, इनोलेट आयन, इनोलेट आयन अटेक द, इनोलेट आयन अटेक द, जो भी आपका इनोलेट का फॉर्मेशन हुआ है वो अब की बार क्या करेगा, अटेक करेगा। कहां पर अटेक करेगा, अटेक द अनरिएक्टेड एल्कोन, अटेक द अनरिएक्टेड अनरिएक्टेड एल्डिहाइड। तो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, जो फर्स्ट स्टेप के अंदर देखो आपने किसका फॉर्मेशन कर लिया, इनोलेट। तो अब की बार क्या सीन होगा, ये वाला इनोलेट। और मैंने अभी आपको आपसे क्लियर किया है क्या कि यहां पर आपको एल्डिहाइड हो या चाहे से कीटोन हो कितने मॉलिक्यूल कंसीडर करोगे, टू मॉलिक्यूल। तो पहला मॉलिक्यूल तो यहां पर वर्क में आ गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो इनोलेट जो आयन का फॉर्मेशन हुआ है आपके फर्स्ट स्टेप में, ये जो सेकंड वाला मॉलिक्यूल होगा ना जो कैसा है, अनरिएक्टेड है, उसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ध्यान से देखना कौन सा एल्डिहाइड कंसीडर करके चल रहे हो आप, एसिटी एल्डिहाइड। तो ये लीजिए मैंने एसिटी एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर में यहां पर ड्रॉ करता हूं। तो ये रहा आपके पास एसिटी एल्डिहाइड, मीनिंग CH3 सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर कौन है, एच। ये वाला तो कौन सा हो गया, एसिटी एल्डिहाइड, जो कैसा है, अनरिएक्टेड था, सेकंड वाला मॉलिक्यूल है। और इसकी रिएक्शन किसके साथ प्रोसीड कर रहे हो आप, इनोलेट के साथ। और इनोलेट की स्ट्रक्चर क्या थी अभी देख रहे हो आप, CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CHO, इसी को आपने क्या बोला था, इनोलेट बोला था। ये देखिए यही तो स्ट्रक्चर थी इनोलेट, CH2 नेगेटिव CHO। तो ये वाला क्या हो गया आपके पास, इनोलेट हो गया। इसको मैंने क्या बोल दिया, इनोलेट।
और ये वाला कौन सा एल्डिहाइड है आपके पास, अनरिएक्टेड एल्डिहाइड है। तो देखिए आपको इजीली पता है क्या कि जो भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, जो भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड, इस वाले कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पर तो क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीजन पर कौन सा होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। रीजन क्या है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम, सो पाई बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण ही जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, इस वाले कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर ये वाला जो बॉन्ड है वो कैसा होता है, पोलर बॉन्ड होता है, और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर कौन सा जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज लाइज करता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ये वाला क्या है आपके, इनोलेट है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज कहां पर अटैक करेगा, पॉजिटिव वाले पर, पॉजिटिव किसके पास है, कार्बन के पास। तो देखिए यहां पर रिएक्शन की किस टाइप से थीम बनती है, ये इनोलेट अटैक करेगा इस वाले कार्बोनिल के कार्बन पर, और ये वाला जो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की से। तो देखिए यहां पर क्या सीन बन रहा है, जैसे ये वाली रिएक्शन आपके साथ प्रोसीड होगी, ये वाला भी कैसा स्टेप होता है, रिवर्सिबल स्टेप है, और साथ में ये स्टेप क्या होता है, फास्ट स्टेप है। कैसा स्टेप होता है, फास्ट स्टेप है। क्या क्या चेंज हुआ यहां पर देखिए, CH3 एजिट है, तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया CH3 सिंगल बॉन्ड, आगे किससे कनेक्ट है, कार्बन से, तो ये लीजिए कार्बन, और कार्बन से क्या अटैच है यहां पर, एच, तो यहां पर मैंने कार्बन से अटैच कर दिया हाइड्रोजन। ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन की साइड, तो ये लीजिए डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज लाइज कर रहा है। क्लियर है, CH2 ने अटैक किया इस वाले कार्बन पर, तो इस वाले कार्बन से अटैच कौन हो जाएगा, CH2। तो देखिए नेक्स्ट में मैंने किससे अटैच कर दिया इसको, CH2 से, और CH2 से फर्दर बॉन्डेड कौन है, CHO, तो ये लीजिए यहां पर मैंने मेंशन कर दिया CHO। नहीं यहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया, एनायन का फॉर्मेशन हो गया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, एनायन बोल सकता हूं। नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हो, एनायन। तो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है कि जो इनोलेट आयन है ना, वो अनरिएक्टेड जो आपके पास सेकंड वाला मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का, उस पर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एनायन में कन्वर्ट हो रहा है। और ये वाली स्टेप कैसी होती है, फास्ट स्टेप है। अब बात करते हैं अपनी स्टेप नंबर थर्ड की, कि स्टेप नंबर थर्ड में क्या सीन क्रिएट होगा, तो ये लीजिए स्टेप नंबर थर्ड। अब स्टेप नंबर थर्ड में क्या सीन क्रिएट होता है कि यहां पर जो एनायन है ना वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा वन प्रोटोन फ्रॉम वॉटर एंड टू फॉर्म एल्डोल एंड हाइड्रोक्सी आयन। जो भी ये एनायन का फॉर्मेशन होगा, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, एनायन एक्सेप्ट, एनायन है इसके ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होना चाहिएगा, प्रोटोनेटेड होना चाहिएगा। तो एनायन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, किसको एक्सेप्ट करेगा, एनायन एक्सेप्ट वन प्रोटोन, एक्सेप्ट वन प्रोटोन, प्रोटोन को क्या बोल सकता हूं मैं, एच प्लस, एक्सेप्ट वन प्रोटोन फ्रॉम वॉटर। और ये जो प्रोटोन का जो एक्सेप्ट करेगा एनायन, वो कहां से करेगा, फ्रॉम वॉटर, वॉटर को क्या मेंशन कर सकता हूं मैं, H2O। तो मीनिंग क्या कर रहा है, जो भी एनायन है वो एक्सेप्ट करेगा वन प्रोटोन फ्रॉम वॉटर एंड टू फॉर्म, और किसका फॉर्मेशन करेगा, एंड टू फॉर्म, जैसे ही इसने क्या करेगा, प्रोटोन का एक्सेप्ट करेगा प्रोटोन को एनायन, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, टू फॉर्म एल्डोल एंड हाइड्रोक्सी आयन। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, एक तो एल्डोल का फॉर्मेशन होगा, एल्डोल का मीनिंग क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डोल एंड हाइड्रोक्सी आयन, अदरवाइज में हाइड्रोक्सी आयन को क्या बोल सकता हूं, OH माइनस का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए यहां पर किस टाइप से रिएक्शन प्रोसीड करती है, उस वाली रिएक्शन को इजीली अंडरस्टैंड कीजिए। ये वाला एनायन है, तो ये लीजिए मैं इसको वापस से मेंशन करता हूं, इस वाली एनायन को CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज लाइज कर रहा है। CH से फर्दर बॉन्डेड कौन है, CH2, और CH2 से बॉन्डेड कौन है, आपका एल्डिहाइड, मीनिंग C डबल बॉन्ड O H। तो ये वाला क्या हो गया, एनायन। देखिए थर्ड स्टेप में क्या, एनायन एक्सेप्ट वन प्रोटोन फ्रॉम H2, मीनिंग इसकी रिएक्शन किसके साथ है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ है, और वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, H प्लस एंड OH माइनस होता है। तो जैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, तो देखिए रिएक्शन कैसा होता है, इररिवर्सिबल है। और यहां से देखो ये जो एनायन है वो किसको एक्सेप्ट करेगा, प्रोटोन को, तो ये लीजिए इस वाले एनायन ने अटैक कहां पर कर देगा, इस वाले प्रोटोन पर अटैक किया, और ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन पर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो देखिए यहां पर किस टाइप का प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होता है, ये लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखो पहले ऑक्सीजन पर नेगेटिव था, लेकिन यहां से प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लिया,
किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन के साथ। तो यहां पर क्या मेंशन कर दिया मैंने, एच मेंशन कर दिया। ये वाला सी एच फर्दर किससे बॉन्डेड है, सी एच टू से, तो ये लीजिए सी एच टू। और सी एच टू फर्दर किससे बॉन्डेड है, एल डी एड से, मीनिंग सी डबल बॉन्ड ओ एच से बॉन्डेड है। प्लस ये वाला बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो रहा है, तो मीनिंग ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज लाइज कर जाएगा, नेगेटिव सा, तो ओ नेगेटिव एच, मीनिंग कौन सा आयन बन गया, हाइड्रोक्सी आयन बन गया, अदरवाइज क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड बन गया। और इसको देखिए आप, इस वाले स्ट्रक्चर में जो एनायन ने जब प्रोटोन को गेन किया तो किस टाइप की स्ट्रक्चर बन रही, ये वाला मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया आपके पास कार्बोनिल वाला, इससे अटैच कार्बन को क्या बोल दिया, अल्फा, और इसके नेक्स्ट वाले को कौन सा बोल दिया, बीटा बोल दिया। तो बीटा पर कौन सा ग्रुप आ रहा है, हाइड्रोक्सी, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, तो इसका नोमेनक्लेचर यहां पर क्या हो रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सी एन सी को क्या बोलते हो, एल्डिहाइड, तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। और जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ना, आप इसी को क्या बोलते हो, एल्डोल बोलते हो, तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्डोल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये वाली कौन सी स्टेप थी, स्टेप नंबर थर्ड, जिसमें क्या हो रहा है, एनायन है वो प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल से, कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, एल्डोल में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में कौन सा आयन बनेगा, हाइड्रोक्सी आयन बनेगा। अब लास्ट वाला स्टेप देखिए, स्टेप नंबर फोर, ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया स्टेप नंबर फोर। तो स्टेप नंबर फोर में क्या कहानी बनती है कि जो भी आपका एल्डोल बना है ना, इसकी क्या करनी है, आपको हीटिंग करनी है, और जब भी हीटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल इसका रिमूवल हो जाएगा। तो देखिए एल्डोल कौन सा फॉर्म हुआ था आपके पास, क्या स्ट्रक्चर थी उसकी, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच, इधर अटैच था आपका ओ एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड एच, और यहां से आपका कौन कनेक्ट था, एल डी हाइड फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट था, मीनिंग सी डबल बॉन्ड ओ एच। इसी को आपने क्या बोला था, एल्डोल बोला था, इसी को आपने क्या बोला था, एल्डोल बोला था। तो ये वाला एल्डोल है, आपको करना क्या, अब यहां पर हीटिंग प्रोवाइड करनी है, क्या प्रोवाइड करनी है, हीटिंग। तो ये लीजिए मैंने क्या प्रोवाइड कर दी, हीटिंग। जैसे आपने हीटिंग प्रोवाइड की तो यहां से कौन से मॉलिक्यूल का रिलीजमेंट हो जाएगा, तो यहां से आपके मॉलिक्यूल रिलीज होगा कौन सा, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया माइनस एच टू ओ, मीनिंग डिहाइड्रेशन हो जाएगा। किस टाइप से डिहाइड्रेशन होगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये देखिए जो एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड मीनिंग ये वाला कार्बोनिल के जस्ट पास वाला कौन सा कार्बन है, अल्फा वाला है, और ये कार्बन कौन सा आपका, बीटा वाला है। तो ये वाला कौन सा हाइड्रोजन मोर एसिडिक होता है, कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा कार्बन से बॉन्डेड हाइड्रोजन क्या होता है, मोस्ट एसिडिक। तो देखिए किस टाइप से सीन बनेगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा इस वाले बॉन्ड पर, और यहां से ये वाला ओएच क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो यहां से हाइड्रोजन किस फॉर्म में जा रहा है, एच प्लस में, ओएच किस फॉर्म में जा रहा है, ओएच माइनस में। तो एच प्लस और ओएच माइनस कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन हो गया, माइनस एच टू, मीनिंग किसका रिलीजमेंट हो गया, माइनस एच टू का। और कार्बन कार्बन के मिड में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड का। तो देखिए यहां पर क्या स्ट्रक्चर जनरेट होगी, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर क्या जाएगा आपका, हाइड्रोजन। ये देखिए जैसे ये वाला बॉन्ड इस वाले बॉन्ड पर शिफ्ट हो रहा है, तो पहले सिंगल बॉन्ड था, लेकिन जैसे इस वाले बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां पर होगी, सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैंने क्या बना दिया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, क्लियर है। तो यहां पर कार्बन कार्बन के मिड में कौन सा आ गया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब इसका नोमेनक्लेचर देखिए, तो नोमेनक्लेचर किस टाइप से आप इसका मेंशन करोगे, ये वाला कौन सा हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, अल्फा, ये वाला बीटा। तो यहां पर अनसेचुरेशन कहां पर आ रहा है आपके, अल्फा और बीटा पर आ रहा है, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। और इसके अंदर आपने यही बोला है कि एल्डोल रिएक्शन जब भी होगी, तो उस वाली एल्डोल रिएक्शन में पहले स्टेप में क्या होगा, देखो ये मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा दिया था, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, जिसको आप एल्डोल बोलोगे। इसका डिहाइड्रेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, मीनिंग जब भी आप इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करवाओगे, वाटर मॉलिक्यूल का रिलीजमेंट होगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड। अगर आपने एल्डिहाइड रिएक्टेंट लिया है तो एल्डिहाइड बोल देना, अगर आपने रिएक्शन की स्टार्टिंग कीटोन से किया तो क्या बोल दूंगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। यहां पर जो अपने एग्जांपल जो कंसीडर किया था उसमें किसको मेंशन किया था, एल्डिहाइड को। तो देखिए पहले स्टेप में किसका फॉर्मेशन हो गया था,
बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का, और लास्ट में जब भी डिहाइड्रेशन होगा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड का। तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्डोल कंडेंजेशन। किस टाइप से रिएक्शन होती है, अल्फा हाइड्रोजन उसका एसिडिक नेचर क्यों होता है कार्बोनिल कंपाउंड में, कौन से टू रीजन और मैकेनिज्म के जो फोर स्टेप्स हैं, इसको वन बाय वन अपन ने डिस्कस कर लिया है। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।